गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल रीड पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड सीन दैट देयर वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन एंड ही वाज अ लॉलेस पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दिस ही हैड ब्रोकन लॉट ऑफ रूल्स. ही हैड ऑल्सो इन्वेंटेड अ रेयर ड्रग्स which is useful for him to make him invisible. Okay, जिसकी help से वो invisible हो गया. and जब वो invisible हो गया, क्योंकि वो एक lawless person था, क्योंकि वो कुछ भी rules follow करना नहीं चाहता था, तो बहुत सारे adventures है वो perform करता है, बहुत सारे daring वो perform करता है. वो बहुत ज़्यादा aggressive था, ठीक है. और ग्रिफिन को उसका जो ऑनर था, उसका जो लैंडलॉर्ड था, वो बिल्कुल लाइक नहीं करता था, इसलिए उसने उससे घर से बाहर निकाल दिया. और जैसे ही वो उसे घर से बाहर निकालता है, वो ग्रिफिन जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसके घर को जला लेता है. और यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब वो उसको जला लेता है, वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ से भाग निकलता है, राइट. और जब वो वहाँ से चले जाता है, और वो कैसे इनविजिबल होता है, जब वो अपने सारे कपड़े हैं वो निकाल दे, तो वो नेकेड होता है और मिड विंटर में लंदन के इधर से उधर घूम रहा होता है, ठीक है. एक स्टोर में वो जाता है, ठीक है. वहाँ पे भी वो चोरी करता है, वहाँ पे क्लोथ्स, उसके बाद में वो कुछ क्लोथ्स लेता है, खाना लेता है, पर वहाँ पे भी वो, क्योंकि असिस्टेंट्स आ जाते हैं और वो अपने आप को उसे स्टोर से भी बाहर निकलना पड़ता है. और इस तरीके से ये दो इंसिडेंट्स हमने ग्रिफिन की लाइफ से देखे थे. और दोनों इंसिडेंट्स से हमको ये पता चला कि वो जो है अपनी जो इन्वेंशन, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट वो जो अपना ब्रिलियंसी है, वो जो इंटेलिजेंसी है, वो सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है. वो उसका आप कह सकते हो कि फ़ायदा उठा रहा था, राइट. उसके बाद में वो उसे एहसास हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से वो यहाँ नहीं अपने आप को बचा सकता है. सो उसने डिसाइड किया कि थिएटर जो एक ड्रामा कंपनी है, मुझे वहाँ जाना चाहिए. और वहाँ पे क्योंकि उसका फेस शोल्डर से ऊपर इनविजिबल है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था. तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉप्स चाहिए जो मुझे मेरे लिए लाइफ सेवियर हो, राइट. सो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा था. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रिफिन और क्या क्या करता है और किस तरीके से लोगों की लाइफ को हेल्प बनाता है. सी, लास्ट हमने ख़त्म किया था कि वो ड्यूरेलैंड में जाता है और एक शॉपकीपर को वहाँ उसको रॉब कर लेता है, उसको लूट लेता है. ही लूटेड द शॉपकीपर एंड ही अर्न सम एंड ही गॉट सम मनी फ्रॉम द शॉपकीपर एंड ही वेंट अवे, ठीक है. और वो वहाँ से चले जाता है. अब हम देखेंगे कि वो कहाँ जाता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ एपिंग वेयर ही बुक्ड टू रूम्स एट द लोकल इन. राइट, ईगर टू गेट अवे, ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉज वेरी ईगर, उसे बाहर जाना था, ठीक है. उसे इपिन से बाहर, उसको लंदन से बाहर जाना था, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी छोटे गांव में जाना चाहिए. और वो इपिंग है, वहाँ जाता है और वहाँ पे दो वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन. लोकल इन मतलब, इन मतलब आप कह सकते हो होटल जैसा होता है, नीचे रेस्टोरेंट होता है या बार होता है, ठीक है. और ऊपर कुछ रूम्स होते हैं, ठीक है, वो रेंट पे दिए जाते हैं. और जो ऑनर है वो भी अक्सर जो वो इन है उसी में रहता है, ठीक है. तो वो वहाँ पे लोकल विलेज, किसी विलेज में जाता है और एक लोकल इन में टू रूम्स बुक कर लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंज एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. एंड सी द लाइन्स, यहाँ पे जो राइटर है जी विल्स, वो क्या कह रहे हैं कि द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, कि अभी किसी स्ट्रेंजर, कोई उसे जानता नहीं था, ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन, और वो दिखने में भी बहुत स्ट्रेंज था, और वो भी इस विंटर में, क्योंकि विंटर में अक्सर लोग जो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, वो वहाँ पर आना एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल इवेंट था, ठीक है. सब लोगों को लगा कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये मिड विंटर में यहाँ आया है, ये जानता भी नहीं है, आसपास का भी नहीं है, राइट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कि बहुत अनकॉमन, उसकी वो कॉमन हम जैसे ह्यूमन बींग जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि उसने उसका जो फेस है, ठीक है, उसने यहाँ पे बैंडेज बना रखी थी, बैंडेज लगा रखी थी, ग्लासेस थे बड़े बड़े, हैट यूज़ कर रखा था, बड़ी बड़ी मूछें थी, तो बहुत स्ट्रेंज उसका अपीयरेंस था. तो लोगों को ये बात जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चुभने लगी, ठीक है, लोग उसके बारे में बात करने लगे. टंग वेगिंग मतलब जीभें हिलना, जीभ हिलना, ठीक है, टंग मूव
करना और टंग कब मूव करती है, जब आप किसी से बात करते हो, आप किसी के बारे में बात करते हो। तो लोग जो है यहाँ पे ग्रिफिन के बारे में बात करने लगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पर्सन है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, उनकी पत्नी है, ठीक है, और उसने बहुत कोशिश करी कि वो ग्रिफिन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, उसे बात करे, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन ने क्या कहा, मेरे को बिल्कुल बात नहीं करनी, वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसकी कि वो किसी से बात करे। एंड टोल्ड हर, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलीट्यूड, कि मैं इपिंग क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर शांति चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सॉलीट्यूड मतलब अलोन, ठीक है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ अकेला, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं यहाँ इपिंग आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, पर मैं क्या चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं करे, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा भी एक बात कही उसने, और वो क्या कहा कि एक्सीडेंट की वजह से मैं थोड़ा, मैंने बैंडेज लगा रखी है, वो हो गया, और मैं यहाँ पे अपने काम के लिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ अपने वर्क के लिए आया हूँ, और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सेटिस्फाइड वॉट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, और इस बात से वो सेटिस्फाइड हो गई कि जो उसका, उनके जो गेस्ट आए हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इस बात से वो अपने आप को उसने मना लिया। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और मिसेस हॉल एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, है ना, और इस बात को भी उसने ध्यान में रखा, और वो बात क्या थी कि उसने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल जो थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके जो इरिटेबल उसका जो बिहेवियर है, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर था, और बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था, उसके सारे इरिटेबल टेम्पर और सबसे उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्यों, बिकॉज ऑफ मनी। Now, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. और चोरी करा हुआ माल या चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, ठीक है, आपको मेहनत करनी होती है, आपको काम करना होता है, और ग्रिफिन के साथ भी यही था, जो पैसे उसने चुराए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे या ख़त्म हो गए, और ग्रिफिन को ये बात एडमिट करनी पड़ी कि अब उसके पास रेडी कैश नहीं है, मतलब जो आप कह सकते हो जो कैश मनी है वो उसके पास नहीं है। ये प्रिटेंड उसने इस तरीके से एक्ट किया, उसने इस तरीके से दिखावा किया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने इस तरीके से दिखावा किया कि किसी भी वक्त उसका कोई चेक यहाँ आ सकता है, कोई भी मनी चेक उसके पास आ सकता है, इस तरीके का वो एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उसको वहाँ से नहीं निकाले, इन से उस, ओके। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और शॉर्टली उसी समय में, ठीक है, जल्दी आफ्टरवर्ड इन्हीं दिनों के बाद, इसी समय के बाद एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो कि क्यूरियस आप ईगरस एपिसोड हुआ गांव में, उस विलेज में। एवरी अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द noises in the study। क्लर्जीमैन यहाँ पे आप ऑलमोस्ट प्रीस्ट कह सकते हो, पुजारी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सुबह सुबह एक क्लर्जीमैन के घर पे उसकी वाइफ ने क्या सुना कि उनकी नींद खुल गई, है ना, वो उठ गए क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, क्रीपिंग डाउन से, जब वो नीचे उतरे अपने घर में, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और ने क्या देखा कि वो क्लर्जी में वो नीचे उतरे, क्लिपिंग डाउन मतलब नीचे गए, ठीक है, डाउनस्टेयर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या सुना, उन्होंने सुना कि जो आवाज़ है, ठीक है, चिंक मतलब आप आवाज़ कह सकते हो, रिंगिंग साउंड है ना, जो आवाज़ आती छन छन, ठीक है, पैसे गिनने की, वो किसी आवाज़ आ रही थी, कोई वहाँ से पैसे चुरा रहा था, कहाँ से, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क में से कोई पैसे निकाल रहा था, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द ईयर, ठीक है, अब उन्होंने आवाज़ नहीं करी, उन्हें पता चल गया कि वहाँ पे नीचे कोई है जो उनके पैसे चुरा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आवाज़ नहीं की, एक पोकर मतलब मेटल रोड, ठीक है, उसके ऊपर हैंडल होता है, नीचे से वो मेटल रोड उसकी होती है, तो पोकर उन्होंने लिया, उसको बहुत फर्मली ग्राफ मतलब बहुत मजबूती से पकड़ा, ठीक है,
and in his hands and clergyman flying upon the डोल और वो एकदम डोल खोला और उन्होंने मतलब इस तरीके से उसको मारने के लिए कि उनको पकड़ ले कि कौन चोर है उसे दरवाज़ा ओपन किया डोर ओपन किया सरेंडर और शब्द आया सरेंडर और उसने कहा सरेंडर कर लो तुम ठीक है देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी और बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया सरप्राइज हुआ कि उस रूम में कोई नहीं था और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है ग्रिफिन ओके और उससे क्या पता चला कि वहाँ कोई नहीं था देयर वाज नो वन इन द रूम ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क उन्हें लगा रूम में तो कोई नहीं दिखा बोला कहीं छुप गया होगा तो उन्होंने डेस्क के ऊपर देखा बिहाइंड द कर्टन्स जो पर्दे थे वो उन्होंने देखे देन द चिमनी उन्हें लगा कहीं चिमनी में तो नहीं वो हाइड कर लिया चोर ने अपने आप को देयर वाजंट एनी There was not a sign of anybody and there was no sign of anyone. रूम में कोई नहीं था Yet the desk had been opened. फिर भी डेस्क तो ओपन थी ठीक है And the housekeeping money was missing. और जो रख रखाव के लिए घर के आप कह सकते हो कि घर को चलाने के लिए जो मन कुछ पैसे हम बचा के रखते हैं कुछ पैसे जो हम रखते हैं जो घर की देखभाल के लिए होते हैं वो पैसे वहाँ से हाउस मनी गायब हो चुकी थी Extraordinary affair. Okay, the clergyman kept saying for the rest of the day and he was very surprised. वो जो प्रीस्ट था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ और उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हो गई है ठीक है वो पूरे दिन एक ही बात बोला कि आज तो बड़ी अजीब बात एक अजीब हरकत एक अजीब एपिसोड मेरे साथ हुआ है बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी उतना भी स्ट्रेंज नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ कुछ स्ट्रेंज हो रहा था राइट ये सब स्ट्रेंज चीज़ें इस गाँव में क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रिफिन ठीक है यहाँ पे एच जी वेल्स लिख रहे हैं कि इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो चोरी कर लिया लेकिन इससे भी कुछ अजीब हरकत जो है कुछ स्ट्रेंज चीज़ें मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई उसी सुबह ठीक है द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली मॉर्निंग वो वेकअप उन्होंने जल्दी उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए किस बात से कि आ साइंटिस्ट का जो डोर है उसका जो रूम है उसका डोर है वो ओपन है अक्सर क्या होता है ऑफन क्या ऑफनली इट इज़ क्लोज क्योंकि वो लोगों से नहीं मिलना चाहता था और वो शांति चाहता था तो उसका हमेशा वो अपने आप को छुपा के रखना चाहता था लोगों से तो उसका दरवाज़ा जो है उसका जो आप कह सकते हो कि जो रूम का डोर था वो क्लोज रहता था लेकिन आज ऐसा नहीं था ओके इसलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए यूजअली इट वॉज शट एंड लॉक एंड इट वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना एंग्री होना कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अगर कोई उसके रूम में आ जाता है तो आज जो है वो डोर ओपन था तो ये चीज़ देख के वो बहुत सरप्राइज हो गए और ये डोर क्यों ओपन था बिकॉज ग्रिफिन वॉज एट क्लर्जी मैंस हाउस ठीक है वो उनके घर पर चोरी करने गया हुआ था The opportunity seemed too good to be missed. और उनका लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इस साइंटिस्ट के बारे में जानने के लिए जो कि अपने आप को बहुत सीक्रेटली रखता है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए दे पीप राउंड द डोर उन्होंने पीप मतलब झांकना ठीक है उन्होंने डोर के थ्रू झांका सो सीन टू गुड सो नोबडी देखा कोई नहीं है एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट उन्होंने क्या लगा अब हम इनका छानबीन करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं उस इंसान के बारे में ग्रिफिन के बारे में द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड ठीक है बेड क्लोथ्स वर कोल्ड मतलब बहुत ठंडे थे मतलब अगर आप वहाँ बिस्तर में सो रहे होंगे तो वो वार्म रहेंगे और वहाँ पे कोई नहीं था इसलिए वो ठंडे हुए थे शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप एंड सम टाइम ये बताते हुए कि साइंटिस्ट बहुत देर से यहाँ नहीं है एंड स्ट्रेंजर्स स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेज दैट ही Always wore while lying about the room. और इससे भी ज़्यादा क्या स्ट्रेंज बात थी कि वो जो हमेशा कपड़े पहनता था वो बिस्तर पे कहीं बेड पे कहीं थे ठीक है वो बैंडेज भी उतार के उसने रख दी थी क्योंकि उसको इनविजिबल होकर चोरी करनी थी और जो कपड़े वो अक्सर पहना करता था वो भी बेड पे ही थे All of a sudden, Mrs. Hall All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और सडनली वो क्या देखती है ठीक है स्निफ मतलब हम जब इस तरीके से गहरी सांस लेते हैं ठीक है कि उसने किसी को गहरी सांस डीप ब्रेथ लेते हुए सुना उसके कान के पास आके किसी ने इस तरीके से
उसने गहरी सांस ली, डीप ब्रीथ ली. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑफ द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और उसी समय जो कैप जो बेड पोस्ट पे थी, जो बेड के ऊपर थी, वो उठकर उसके चेहरे पर, चेहरे के अगेंस्ट, मतलब उसके चेहरे पे किसी ने लगा दी, मार दी, है ना. डैश मतलब इस तरीके से उसके फेस पर इस तरीके से लगाना, ठीक है. देन द बेड रूम चेयर्स बिकम अलाइव. और सडनली क्या देखता है, कौन आ गया है, क्या बताती है ये लाइन्स की ग्रिफिन की एंट्री हो चुकी है. और सडनली जो चेयर्स है वो भी अलाइव हो गई, मतलब चेयर्स में भी जान आ गई, ठीक है. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, ठीक है. स्प्रिंगिंग वो घूम रही थी इन द एयर, और वो जो इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वो अटैक, जिस तरीके से कि आपने उसको अटैक किया फेस पे, उसी तरीके से चेयर्स जो है उसने एम्ड कर रखा है कि वो मिसेस हॉल पे अटैक करे. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ग्रिफिन को गुस्सा आ रहा है कि उसकी एब्सेंस में उसके रूम में एंट्री क्यों ली इन लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड्स ने, ठीक है. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. उन्होंने क्या देखा कि एक्स्ट्रा वो जो चेयर थी उसने उसको पुश कर दिया. कौन पुश कर रहा है, इनविजिबल है ग्रिफिन, वो पुश कर रहा है चेयर के थ्रू. चेयर ही विजिबल है, जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल है. उन्होंने उनके घर से, रूम से, वो बाहर भेज दिया, बाहर पुश कर दिया उनको, और वो रूम लॉक कर दिया. ऑल मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स. वो इतना हिस्टेरिक मतलब वो इतना घबरा चुकी थी, इतनी इमोशनल हो चुकी थी ना, सडन एक्सप्रेशन आते हैं, वो इतना घबरा चुकी थी, ठीक है, कि ऐसा लगा जैसे मिसेस हॉल किसी भी वक्त स्टेयर से गिर सकती है. उस समय अपने आप को उसने संभाल लिया, वो गिरने ही वाली थी स्टेयर से. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स. और वो इस बात से कन्विंस्ड हो गई कि यहाँ पे जो रूम है वो हॉन्टेड है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे भूतिया है ना, भूत, कि यहाँ पे स्पिरिट्स हैं, कि यहाँ पे भूत है, ये भूत बंगला है, ठीक है. इस बात से वो कन्विंस्ड हो गई कि भूत यहाँ पे आ चुके हैं, गोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. किसी और एंड वॉट इज़ द रीज़न कि भूत कहाँ से क्यों आ गए, क्योंकि ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो साइंटिस्ट है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये भूत यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है. वो इस इसका रीज़न हो सकता है. माई पुअर मदर यूज टू सेट इन दैट चेयर. और वो क्या कह रही कि ये जो चेयर जो जिसने उसको पुश किया और जो उनको बस मारने ही वाली थी, उस पर मिसेज हॉल की जो मदर है वो बैठा करती थी. शी मॉन, वो रोने लगी, वो बोलने लगी, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. उसने क्या कहा कि जो अभी मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी जो चेयर, उस पर मेरी मम्मा बैठती थी, मेरी मदर बैठती थी, क्या वो मुझसे नाराज़ है. वो डर गई, ठीक है. उसे लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, या मेरे से मम्मा क्यों नाराज़ हो गई, क्यों भूत उनका आ गया, ठीक है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट. और लोगों के पास, लोगों को क्या लगा कि ये जो भूत होते हैं उनकी वजह से ये कुछ हुआ है, ठीक है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकम नॉन. और ये जो बात है कि क्या ये भूत की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये बात कन्फ्यूजन में आ गया. लोग डिलेमा में पहुंच गए, लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कब कि पहले तो उन्हें लगा कि भूत हो रहा होगा, कुछ भूतिया कुछ हो रहा होगा, हॉन्टेड हाउस है. लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो पीस है, जो कलजी मैन है, उनके घर पे चोरी हुई है, तब उनको थोड़ा डाउट हुआ कि अगर चोर, अगर भूत है तो ऐसा नहीं कर रहे, भूतों को पैसों से क्या मतलब है, ठीक है. तो वो डाउटफुल हो गए. द स्ट्रेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड टू हैविंग ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. और जो स्ट्रेन साइंटिस्ट था वो उसको सस्पेक्ट किया, लोगों ने उसके ऊपर शक होने लगा कि ये कुछ ना कुछ, इसी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है. सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. और ये जो उनके ऊपर डाउट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कब, जब उसने कुछ पैसे रेडीली प्रोड्यूस, मतलब उसने पहले क्या कहा था कि मेरा एक चेक आने वाला है, लेकिन फिर उसने क्या दिया, जो कैश मनी है वो उसने दिया. तो ये बात जो है, ये जो आप कह सकते हो कि उनका डाउट है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. इससे पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सडनली उसके पास जब पैसे आए तो वो बहुत ज़्यादा ये बात लोगों को सरप्राइजिंग लगने लगी. उन्हें डाउट होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. जो विलेज कॉन्स्टेबल था उनको, उसको बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेस हॉल वेंट
टू द साइंटिस्ट. ठीक है, विलेज कॉन्स्टेबल को बुलाया गया, लेकिन उसका वेट, वो इतना ईगरस हो चुकी थी, वो इतना ईगर हो चुकी थी साइंटिस्ट के बारे में जानने के लिए कि वो वेट नहीं कर पाई. मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, है ना. और वो फटाफट के कहाँ गई, उसके बेडरूम में गई जो पहले खाली था, फिर अचानक वो वहाँ से आ गया था. ठीक है, तो ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं हुई और उसने सोचा कि मुझे उससे बात करनी है. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, उसने क्या बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी उस चेयर के साथ तुमने क्या किया. शी डिमांडेड एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर टू अ लॉक्ड रूम, कि तुम एक खाली रूम से बाहर कैसे आए और लॉक्ड रूम में तुम कैसे गए, मैं ये जानना चाहती हूँ. क्यों, वो क्यों बोल रही है, क्योंकि वो जो रूम है, वो चेयर ने रूम लॉक कर दिया था. ठीक है, उसके बाद में वो उसी रूम से बाहर निकलता है, तो ये बात जो थी उसको बहुत, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डाउट हो गया था और वो उससे ये पूछना चाह रही थी. नाउ द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये साइंटिस्ट है बहुत ज़्यादा, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्विक टेम्पर्ड है वो, शॉर्ट टेम्पर्ड है. ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आ गया कि मुझसे क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है, मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं. ठीक है, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ और व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ. ठीक है, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, उसने बोला अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ. सडनली थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने अपने बैंडेज निकाल दिए, विस्कर्स निकाल लिए, बैंडेज फॉरहेड पे, जो बैंडेज जिससे वो इनविजिबिलिटी को छुपा रहा था वो बैंडेज हटा दी, मूछें हटा दी, राइट. स्पेक्टिकल्स, जो ग्लासेस उसने लगा रखे थे वो हटा दिया, इवन नोज, और जो फेक नोज था वो भी हटा दिया. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये करने में उसको कितना टाइम लगा, सिर्फ एक मिनट. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. बार, नीचे आपको पता है रेस्टोरेंट या फिर बार होता है इनमें, ठीक है, तो वहाँ के लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए. क्यों हो गए, क्योंकि इस तरीके का हेडलेस मैन उन्होंने पहली बार देखा था. ऑल वर इन शॉक्ड. मिस्टर जाफर्स, ये कांस्टेबल होगा, है, आई मीन मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव. अब मिस्टर जाफर है वो आ चुके थे, कांस्टेबल जो था उस गांव का, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि उसको अब एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसका सर नहीं था. He was a headless man. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. बट जाफर जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे अपनी ड्यूटी के लिए, तो वह ऐसे नहीं थे कि वो अपनी ड्यूटी नहीं करे. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी. इट्स अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. उसने क्या बोला, अगर ऑर्डर आ गया है कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया है कि इसको पकड़ना है, तो आई हैव टू कैच द मैन, आई हैव टू अरेस्ट द मैन विद और विदाउट हिज हैड, चाहे उसका सर हो या नहीं हो, मुझे उसको अरेस्ट करना है. देयर फॉलो अ रिमार्केबल सीन. और जब ये हुआ, ठीक है, जब मिस्टर जाफर उसको पकड़ने आए, अरेस्ट करने आए, तो बहुत ही अजीब इंसिडेंट वहाँ हुआ. ओके, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज इट थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनादर. और ये जो सीन है और भी रिमार्केबल हो गया, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे जाफर उसके पास जाते उसको पकड़ने के लिए, वो एक के बाद एक कपड़ा उतारने लगा. क्योंकि वो अपने कपड़े क्यों फेंक रहा है, वो क्यों नेकेड होना चाह रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दोबारा उसी ट्रिक से बचाना चाह रहा है जिस तरीके से उसने हर बार अपने आप को सेव किया है. ठीक है, कैसे, इनविजिबल होकर. फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर, फाइनली शर्ट उतरा हवा में. एंड देन कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट. और अब कांस्टेबल को क्या चिंता होने लगी, किस बात से उसको परेशानी होने लगी, उसको एक ऐसा आदमी ढूंढना था जिस जो इनविजिबल है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, बहुत लोगों ने कोशिश करी कि उसको पकड़ा जाए, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय बॉज एंड ब्लोज एंड सीन टू कम फ्रॉम नोवेयर. और जैसे ही कोशिश की लोगों ने कि वो उनकी हेल्प कर सके, तब उनके, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से ब्लॉज आ रहे थे. वो जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल होकर उनको पुश कर रहा था, मार रहा था, और लोगों को वो दिख नहीं रहा था. तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, वो क्या करे, किस तरीके से उसको कैच करे, अरेस्ट करे. इन द एंड, हम एंड की बात करते हैं, जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट. ठीक है, बार बार वो उसको मार रहे हैं, जेफर बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन उसने फिर भी एक अटैम्प्ट किया कि मैं कुछ भी करके इसको पकड़ना चाहता हूँ. एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उसने कहा कि एक बार और कोशिश करता हूँ, और वो जो इनविजिबल मैन है उसको मुझे अरेस्ट करना ही है.
नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, लोग नर्वस थे, एक्साइटेड थे, अरे अरे इसको पकड़ो लाइक दिस, है ना, और बहुत सारी ऐसी शाउटिंग आ रही थी, होल्ड हिम होल्ड हिम, इसको पकड़ो, ठीक है, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. लेकिन कहना बहुत ईजी था कि हमें ग्रिफिन को पकड़ना है, लेकिन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था. और जब इनविजिबिलिटी है, जब आप किसी को देख नहीं सकते, तो आप उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हो. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और इस तरीके से ग्रिफिन ने दोबारा सेम ट्रिक सेम मैनर से अपने आप को आज़ाद कर लिया, बचा लिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि किस तरीके से उसको पकड़ा जाए. सो यहाँ पे ग्रिफिन इस ये चैप्टर यहीं एंड होता है. और इस चैप्टर में एचजी वेल्स ने ये बताने की कोशिश करी है किस तरीके से जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसने अपनी ब्रिलियंसी, अपनी इंटेलिजेंसी को नेगेटिव तरीके से यूज़ किया और लोगों के लिए वो ट्रबल बन गया. ओके, सो आई होप यू हैड लाइक दिस चैप्टर. थैंक यू.